गली में तुम्हारा इंतजार है। दरअसल मैंने सुना आपका आपका पोता ट्यूशन पढ़ाता है। ओ नहीं जी, नहीं नहीं ट्यूशन को ऐसे नहीं कि कोई पक्का पुक्का काम है, वैसे नहीं, वो तो ऐवें शौकिया पढ़ाता है, तो वैसे उसकी नौकरी पक्की है, मजबूत। बहुत शौक है मुझे बदनाम करने का। खुदा की कसम नहीं यार, बस रहा नहीं जाता, इसलिए अभी चला जाऊंगा वादा। पूरे 3,000 रुपए पे रखवाया मैंने ट्यूशन के लिए। मांगिया। और अम्मा तुम चकमा मत दे जाना, तुम्हारी जमानत पे मैंने घर में घुसने दिया है, जितनी देर वो ट्यूशन पढ़ाए ना साथ ही बैठी रहना। कि सामान इतने दिन पहले लाके घर में रखने की क्या जरूरत, सीधा लड़के वाले के घर भेज देती। नहीं नहीं, मैंने सोचा कि जहेज पहले ही रख लेती हूँ, मैंने तो फरी का कमरा भी खाली कर दिया है, ये सोचा मेरे साथ 4 दिन गुजार लेगी, फिर चले ही जाना है उसने, और फिर बिरादरी ने आना है, उनको जहेज दिखाऊंगी ना मैं। प्रेम गली रानी, तुम लोगों ने जो डांस तैयार किया था वो करो ना, चलो ना जल्दी करो, उठो 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 उठो, प्लीज प्लीज करियो ना। चलो हम गाना शुरू करेंगे। कोई अच्छा गाना गाओ। मन बिया जब डोरे डाले, मन मांगे तोड़ के ताले, बिया जब डोरे डाले, मन मांगे तोड़ के ताले, कभी हमने ये समाए सा नशा तेरे प्यारे में दिया। खैर शीरी, ओ शीरी, ओ भाई क्या मुसीबत है, नींद हराम करके रख दी, भला ये कोई वक्त है आतिशबाजी का? ये बेटी भी आने पे कौन पटाखे फोड़े है, ऐसा तो ना सुना ना कभी देखा। जो हसीना है ना बहुत अच्छी छोरी है, से जो उम्मीद रखो ना कम है। ये भगदड़ कैसी है? फरी कहीं भाग तो ना ली शादी से एक दिन पहले, यही हुआ होगा, और हसीना का लौंडा तैश और इस गोलियां चला रहा होगा। अम्मा, अम्मा आग, 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 रुक शेरी, रुक, 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 आए, आए, मैं लुट गई, मेरी बेटी का सारा जहेज बर्बाद हो गया, जल के राख हो के कुछ भी नहीं बचा। बस कर हसीना, शुक्र करो आग पे काबू पा लिया है, घर जलने से बच गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वरी का जहेज तो जल गया ना, कैसे नजरों में आ गया इसी बच्ची का जहेज, सारा घर बच गया, सिर्फ वही कमरा जला जिसमें जहेज था। फरी, फरी कुछ तो बोल, चल ये पानी पी ले। जहर डाल दे इसके पानी में, अब जी की क्या करेगी ये? ए, तुम तो परे हटो, हटो। क्यों बदफाले मुंह से निकाल रही है हसीना, अल्लाह खैर करेगा। अभी तो मैं ये बदवाले निकाली हूँ, कल को ससुराल जाएगी, वो बदवाले निकालेंगे, कहेंगे मनहूस है, अंदर नहीं आने देंगे, हाथ खाली हाथ कौन लेकर लड़की को। अरे
के राखों के कुछ भी नहीं बचा। आएगी लेकिन से नजरों में आकर इसी बच्ची का दहेज, सारा घर बच गया, सिर्फ वही कमरा जला जिसमें जयेश था। याद है जिस दिन मंजूर भाई ने तुझे तलाक दी थी और जिस रात मेरे वो मुझे छोड़कर चले गए थे, ऐसी सोग भरी रात थी, मेरे तो सारे पुराने जख्म हरे हो गए। कोई बस के उजड़ता है और कोई बसने से पहले। मैं आ ही रही थी अम्मा। इस हाल में हसीना को छोड़कर आने को जी तो नहीं कर रहा था। लेकिन उसके पास बैठकर भी उसको क्या दे सकते हैं दिलावा दिलासे के। श्री मैं जानती हूँ कि तुझे जोया का रात को कहीं रुकना पसंद नहीं है। अब तुझसे पूछे बगैर मैंने इजाजत दे दी कि वो आज फरी के यहाँ रुक जाए। उसे कुछ कहियोगा मत। माँ पत्थर का कलेजा नहीं है मेरा। हसीना ने लड़के वालों को पैगाम भिजवा दिया। भाई मैंने तो हसीना बहन से कह दिया कि टाइम पे उनको बता दो वरना कल वो आएंगे शगन करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि हमें उस वक्त बम फोड़ना पड़ जाए। बेचारी डर रही होगी जी, शादी से इनकार ही ना कर दें कहीं वो लोग। आंख का पानी मर गया होगा ना तो कल भी कर देंगे इनकार। या मेरे मौला क्या जमाना आ गया है। एक हम है बहू को तरस रहे हैं कि बहू आ जाए भले तीन कपड़ों में ही आ जाए, और दूसरे ये लोग। अब बहू तो कबूल है लेकिन ट्रक भर के जहेज का लाना चाहिए साथ। इसे बड़ा शौक है जी हर किसी से राखी बंधवाने का, वरना अभी लेके जाता इसे मैं और खड़े खड़े ही मैंने। मैं दुआ कर रहा हूं अपनी बहन के लिए, अल्लाह बेहतर करे। भाई अब तो दुआओं का ही आसरा रह गया। मैं तो कहता हूं कि मौजा हो जाए और वो लड़की को ऐसे ही ले जाने पर तैयार हो जाए, वरना कौन सा एक दो दिन में हसीना बहन के घर से खजाना बरामद हो जाएगा। जाने बेचारी कब से पाई पाई जोड़ रही थी। बिस्कुट तो नहीं खाएंगे ना? नहीं भाई अब तो किसी चीज को दिल नहीं चाहता। अच्छा बस करना फरी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रख। अल्लाह पे भरोसा है मगर उसके बंदों पे नहीं है। अम्मा का डर सच्चा निकला, अगर उनको पता चला तो वो इनकार कर दे। ये सरदर्द की दवाई भिजवाई थी खाला ने फरी के लिए। होगी जो या तो नहीं तो उसको तसल्ली कैसे दोगी। सुबह हो गई, मेरी अभी आंख लगी थी,
लगता आप सारी रात सोए नहीं। बराबर वाली दीवार से अगर रात भर बहन और मातंग की आवाजें आती रहे तो कौन सो सकता है? सच कहा आपने, मेरा भी कलेजा मुंह को आ रहा था। कैसे हंसते बसते घर को अचानक खुदा की मार हो उस जाहिल औरत पे, स्त्री का प्लग लगा छोड़ के आनन फानन सब राग हो गया। क्या होगा? जुल्म हो गया ताऊ, जुल्म। ऐसा वैसा जुल्म हुआ है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। सुनो, मैं हसीना आपा से कहता हूँ कि हम लड़के वालों के यहाँ के बात करते हैं। शायद वो थोड़ा वो टाइम दे दे और दो चार महीने कर्ज लेके वो दोबारा बना ले। सही कह रहे हो बाजी जी ने आधे घंटे पे गली के कोने पे बुलाया, बात करनी है, सारे मोहल्ले वालों को लेके इकट्ठे हो जाएगा, चाय भी हम उधर ही पी लेंगे, चाचा 15-20 चाय के प्याले भी लाएगा, आधे घंटे में आना है, आधे घंटे में चलिए कोने पर आ जाएगा, बाजी जी ने बुलाया है। मीटिंग सोने यार, अब्बा सब खैर ही हो गए। हम सालों से प्रेम गली के दुख सुख सांझे देखते आए हैं। यह हसीना की बेटी का मामला है, अगर हम उसके दुख को अपना दुख समझते हैं तो हम उसे अपनी खुशी भी दे सकते हैं। लेकिन मामला अब हमारे हाथ में तो है ही नहीं, ये तो अब लड़के वालों पे है। अगर खुदा का खौफ हुआ और खानदानी हुए तो हसीना की इज्जत ढांप लेंगे, और अगर नीच निकल आए तो। नीच निकले तो फिर कल बारात नहीं आएगी, हम लोग इसी तरह बस सोग मनाते रहेंगे, यही होगा ना। मैं पूछती तुम सब के सब किसी काम योग्य हो के नहीं? हम कर भी क्या सकते हैं, आपको तो लड़के वालों को जाके समझा सकता हूँ। किसी के समझाने से या कोई अपनी नियत नहीं बदलता, ना अपना इरादा तरक करता। भले हुए तो तुम्हारी सलाह के बगैर भी भलाई करेंगे, बदकिस्मत हुए तो तुम्हारे समझाने के बावजूद अपनी सी करेंगे। तो फिर हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम हसीना के पास होना चाहिए ना हमें? हाँ बिल्कुल, हमें उनकी दिलजोई करनी चाहिए। हाँ करनी तो चाहिए, करनी तो चाहिए। बात सुनो, देखो मियाँ, दिलजोई से कुछ नहीं हो, ये मरहम रखना पड़े, मदावा करना पड़े, इसीलिए तुम सबको यहाँ बुलाया है मशवरा करने के लिए। नहीं तो किस किस्म का मशवरा जी? सब बेड़ा गरक हो तेरा, सब तेरी वजह से हुआ है मरूस। मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी कहा था मामी को कि स्त्री लगी भी छोड़ कर आ जाए। पति हूँ तुम्हें, मुंह बना के फिर रहा था ना, जब से दिन रखा है सब लोग खुशियां मना रहे, एक तू है, कभी उस कोने में मुंह बसूर है, कभी उस कोने में मुंह बसूर है, कि किसी तरह शादी रुक जाए। लो रुक गई है, खुश हो गए अब तो, ठंड बढ़ गई कलेजे में, मरूस कहीं का। हम सब मिलकर हसीना का मसला हल कर सकते हैं, बारात कल आनी, अगर हम इतनी रकम इकट्ठी कर लें कि सब सामान दोबारा लिया जा सके तो हसीना को उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इस आजमाइश में से गुजरना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे इसके बाद। ये रकम मैंने कार खरीदने के लिए जमा की, लेकिन जहां इतने सालों कार के बगैर गुजारा हो गया, एक आध साल और हो जाए। अम्मा हमेशा कहती है कि ये मनहूस लॉकेट उतार कर फेंक,
तभी तो ठुकरा के जाने वाले की यादों का भूत सर से उतरेगा। चल ये भी करके देख लेते। मुझे नहीं पता इसमें कितने पैसे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों की ईदियां हैं। ये मेरी तकलीफ। इस उम्र में ये सब हार सिंगार बोझ ही लगे हैं। ये अम्मा का कंगन था, अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। बस हमारी इतनी औकात है, अब पता नहीं इससे तुम्हारा काम बनता है कि नहीं, लेकिन हमारे बस में यही है। ना ना शीरे, तुम खुद भी बेटी वाली हो मेरी तरह, उसके भी सर पे बाप नहीं है, मैं जोया का ऐसा कैसे रख सकती हूँ। हर बेटी अपना नसीब खुद लेकर आती है। बिल्कुल ठीक कह रही है शीरी बाजी, मेरी गुड़िया भी 13 बरस की है, पिछले साल से ही उसका जहेज जमा करना शुरू किया था, लेकिन अभी तो उसे बहुत वक्त है ना, मैंने सोचा फरी के काम आ जाएगा। मेरी तीनों बहुएं ट्रक भर भर कर जहेज लाई है, तुम तो जानती हो सांझी घरदारी है, बड़ी वाली का फ्रिज और छोटी वाली की वॉशिंग मशीन ऐसे ही रखी हुई है, वो मैं भिजवा रही हूँ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी बहू बेटियों का सामान कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारी बहू के घर वालों ने कितने जतन करके कैसे जोड़ जोड़ के ये सामान बनाया होगा, मैं ये चीजें नहीं ले सकती। अरे बहन, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है और फिर रखे रखे भी तो जंग लग जाएगा ना। और ये फरी बेटी के लिए उसके ताऊ हदायत की तरफ से। नहीं जाए भाई, सारा मोहल्ला जानता है कैसे पाई पाई जोड़ के आपने हज के लिए जमा की थी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अरे नाना हसीना बहन, ये जो हज है ना, ये नियत और नसीब से होता है। मेरे मौला ने चाहा तो खुद ही बुलावा भेज देगा और सबब भी कोई ना कोई बना ही देगा। ये प्राइस बॉन्ड है 18,000 रुपए के। 25 साल से मेरा कभी प्राइस बॉन्ड नहीं निकला, अब तो खैर उम्मीद भी नहीं है, ये बच्ची के लिए। बस कर दें आप सब, मेरी शादी हो रही है या खैराती अस्पताल बन रहा है जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। चुप रहे फरी, सबकी मोहब्बत का यूं मजाक तो ना उड़ा। जिसे तू चंदा और खैरात कह रही है ना, वो सब हमारी मोहब्बत है, ये चंद नोट नहीं है। तुझसे अपनाइयत जताने का सबका अपना अपना इजहार है। कर लूंगी बाकी लोगों की मोहब्बत की कदर, पहले अपनी कदर कर लूं। मत मुझे एहसास दिलाओ कि कल जो बारात आ रही है वो मेरे लिए नहीं, ये फ्रिज टीवी और वॉशिंग मशीन के लिए आ रही है जो जल के राख हो चुका है। फरी, तेरी माँ की इज्जत दांव पे लगी और तुझे हीरोइन बनने की पड़ी है। खाली आप अपनी बेटी कोई रुख्सत नहीं करता। हसीना आप आपकी इज्जत ना गड़िया लड़के वालों के सामने, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मुझे तो माँ की इज्जत इस वक्त घटती नजर आ रही है, इसे हाथ फैलाए खड़ी है आप सबके सामने। तुम चुप करो फरी, अंदर जाओ। बिल्कुल ठीक कह रही है फरी, माना आपने ये सब कुछ भीख में नहीं दिया, प्यार से तोहफे में दिया है, लेकिन जाएगा तो ये सब कुछ जहेज की सूरत में ना, और जहेज तो खैरात और भीख से भी बदतर है। या अल्लाह, सीना की इज्जत ढक दीजिए। अम्मा अम्मा अम्मा, गजब हो गया अम्मा। दूध फिर उबाल दिया बदसलीका। अम्मा अम्मा, वो मेरा लॉकेट, वो जो मेरे उन्होंने मुंह दिखाई में दिया था। अल्लाह अल्लाह की मार,
अब याददाश्त भी साथ छोड़ गई इस बदबخت की है। एक कली तो जिगर बड़ा करके हसीना को दिया था, भूल गई। माँ, मैंने तो सिर्फ लॉकेट भेजा था, ये तो भूल ही गई थी कि उसमें मेरे उनकी फोटो भी है। हाय अम्मा, लॉकेट भेजने का हौसला किया था मैंने, जाने वाले की आखिरी निशानी, लेकिन खुद से उनकी फोटो कैसे जुदा कर दी मैंने। हाय हाय अल्लाह, मेरी चप्पल कहाँ, मैं जाऊँ हसीना के यहाँ? हाय हाय अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि भले वक्त में तुझे याद आ गया। वो मनहूस लॉकेट पहन के वो रुखसत हो जाती तो जाने क्या होता परी के साथ कल। उसका घर ये गैर मर्द की फोटो उसके गले में झूलती देखता तो तीन बोल कह के उसे कर बाहर निकालता। अच्छा तू रुक, ऐ तू रुक, मैं चली। अच्छा मैं जल्दी पहुंचू हसीना के वहां। नहीं, मसला क्या है आपके साथ? नहीं, यहाँ क्या लिखा नजर आता आपको? पता नहीं कौन सी दुश्मनियां निकाल रही है मेरे और मेरे अब्बा के साथ। पहले पता नहीं उनको कौन सी गोलमोल बातें करके उम्मीद दिलाई और फिर मायूस करी और अब मेरा ये हाल कर दिया है। चाहती क्या है आप? ये बच्चे की जान लेगी क्या? प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। आप सब लोग मानते हैं कि जहेज एक लानत है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खुशी खुशी इसको तमगे की तरह सीने पर सजाए बैठे हैं यार। तुम्हारी ना बहन है ना बेटी है, तुम्हें क्या पता इन मामलात का? कोई खुशी से इस लानत को कलेजे से नहीं लगाता। दुनियादारी है, करना पड़ता है, कभी खुशी से और कभी इज्जत बचाने को। इसीलिए सब अपनी बहन बेटियों को कुछ ना कुछ देकर रुखसत करते हैं और ये उनका हक भी है। तू ज्यादा बातें ना बना, बड़ा आया पढ़ा लिखा कहीं से। हाँ तो मेरी माँ ने दिया ना मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक, मेरी किस्मत में नहीं था, इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक ही तो कह रहे हैं ये, जो बात मेरी समझ में आ गई वो आप सबको क्यों समझ में नहीं आ रही? अपनी खुशी से या अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को देना एक बात है, मगर किसी के डर से या बेइज्जत होने के खौफ से देना, वो भी इस तरह बेबस और मजबूर होके देना, ये और बात है। बच्ची ने मेरी तो आंखें खोल दी हैं भाई, बच्ची समझदार है, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो लड़के वालों को भी यही जवाब दे देना। हसीना बाबा, वो फरी के ससुराल वाले आए हैं बाहर, अंदर ही आ रहे हैं, ले आऊं क्या? मैंने बुलाया है फिरदौस, सब बता दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। बस वो शर्मिंदा तो हम लोगों को होना चाहिए कि इतनी बड़ी बात हमें अब पता चली। इस मौके पर तो हमें सबसे पहले आपके पास होना चाहिए था, आखिर अब आप हमारे रिश्तेदार हैं। आंटी जी, हमने पहले ही कहा था कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ही ने कहा था आपकी एक ही बेटी है, उसके कुछ अरमान हैं, इसीलिए मैंने किसी चीज़ से मना नहीं किया। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमें इतना कमज़ोर समझे? नहीं, वो लड़की की माँ है ना, धड़का तो लगा रहता है, जमाना ही ऐसा है, आप तो समझ सकते हैं। मेरी फरी जरा कम अकल है, लेकिन जल्दबाज है, पता नहीं आप वो फोन पे क्या क्या कह दिया होगा उसने। उनके फोन से पहले हमजा ने मुझे फोन करके सब बता दिया था, हम वैसे आपकी तरफ ही आ रहे थे। हमजा, ये वही लड़का है जो उछल उछल के भाषण दे रहा था? ये रिश्ता भी तो उसी ने करवाया ना? क्या बातें चल रही होंगी अंदर, बड़ी फिक्र हो रही है तुझे? खुद ही तो फोन करके सारी बात बता के बुलाया है उन्हें। हाँ, किया था फोन, देखना चाहती थी कि मेरी भी कोई हैसियत है इस टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के आगे या नहीं। मगर है ना, वो मुझसे भी ज्यादा जल्दबाज निकला, सब बता चुका था। वैसे फरी,
उसने कितनी अच्छी अच्छी बातें की ना, सब मुतासर हो गए। अच्छा तो क्या मैंने बुरी बातें की? शर्माना तो बनता है, तू क्यों लाल हो रही है? नहीं नहीं तो ऐसे ही तेरी खुशी में। मेरी खुशी। हाय। पता है रात अम्मी तुम्हारी तारीफें कर रही थी। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली वो कुर्ता मुझ पे सूट भी बहुत करता। कुर्ता नहीं उल्लू, तुम्हारी बातों की तारीफें कर रही थी। वैसे अम्मी इतनी जल्दी किसी से इंप्रेस नहीं होती, समझो तुमने आधा मैदान मार लिया। ए जोया। जी आ रही हूँ, वो बारात के इस्तकबाल के लिए फूल संभाल रही थी। अब तो तुम अपने बारात के इस्तकबाल की तैयारियां कर। अरे मास्टर साहब आप, जोया तो आज घर पर नहीं है, उसकी सहेली की शादी है ना, तो सुबह ही चली गई। अच्छा तो मैं फिर कल आ जाऊंगा। नहीं नहीं, अब आ ही गए हैं तो मेरा एक काम कर दीजिए। आप भी पढ़ती हैं? नहीं मैं पढ़ाती हूँ, अब ये बच्चों की चंद कॉपियाँ हैं, मैं खुद चेक कर लेती, लेकिन मुझे भी बारात के लिए तैयार होना है। बस 10-15 कॉपियाँ हैं, आप चेक कर लेंगे ना? मैं? जी जी माशरती उलूम की है, बस आपने ये देखना है कि जिस बच्चे ने 1.5 सफ़े से छोटा जवाब लिखा हो उसे 5 से ज़्यादा नंबर नहीं देने, और जिसने 2.5 सफ़े लिखे हों उसको 9 नंबर, और जिसने 3 सफ़े काले किए हो ना उसको पूरे के पूरे 10 नंबर। जी मगर मैं कभी भी आपको जहमत ना देती, लेकिन दरअसल मेरा बारात के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी, वरना लोग ये समझेंगे कि मुझे फरी की शादी से हसद है, इसलिए रोता हुआ चेहरा लेकर आ गया। मेकअप की तहों के नीचे शायद मेरे अंदर का दुख और गम छुप जाए। मैं कर रहा हूँ चेक, आप रोए नहीं, मैं चेक कर। इन आंसुओं के अलावा मेरे पास और बचा ही क्या? जाने वाला चाहते जाते यही सौगात तो देगी, क्या दुखा। चल जाने वाला आपको जाते जाते कुछ तो देकर गया, मुझे तो इस काबिल भी नहीं समझा। चूड़ियां तो पहना दो मुझे। किसने कहा था आज के दिन भी खुद तैयार होने को, कंजूस कहीं की? अरे बात कंजूसी की थोड़ी है, पूरे शहर में ऐसी कोई ब्यूटिशियन नहीं है जिसको मैं पैसे देके अपना मेकअप करवाऊं। ना बाबा ना। बाकी सब तो ठीक है, बस अपनी लिपस्टिक थोड़ी सी फ्रेश कर लो। अभी करते। फरी बारात के आने से पहले एक फोटो सेशन ही करवा लेती यार। उसमें भी कंजूसी कर ली है इन्होंने, फोटोग्राफर को पैसे ना देने पड़े तो घर से ही फोटोग्राफर पकड़ लिया। हाय अल्लाह, सलमान क्या खाक पिक्चर्स बनाएगा फरी। Ready? Smile. MashaAllah. एक सेकंड, अभी मैं आपकी भी। ओके, फरी इधर इस तरफ देखते हो, हाँ? इस तरफ? हाँ, बस इधर ही फरी, इधर ही, इधर।
साथ? प्लीज क्यों नहीं। बार बार तक तक ऐसे थक जाए कैसे नैन बेकरार। सह में सुलगते हैं दिल में सुलगते हैं हर पल अरमा हजार। कैद नहीं माने दुनिया को ना जाने प्यार तो होता है प्यार। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। फरी के जाने से उदास हो? तुम्हें भी तो जाना है ना अपने घर। नाराज क्यों हो रही हो? यही दुनिया का दस्तूर है, हर किसी को जाना होता है एक ना एक दिन। और मुझे तुम्हें ब्याहना नहीं है, तुम्हें बसाना भी है। अम्मा की तरह नहीं, जिन्होंने ब्याहा तो हम दोनों को, पर सर से बोझ उतारने की तरह। बस मैं ऐसा नहीं करूंगी। जहां मेरा दिल नहीं ठुकेगा वहां नहीं भेजूंगी अपनी लाडली को। बस भी करें अम्मी, हसीना रिश्ता लेकर आई थी तो क्यों सारा दिन मुंह फुलाए घूमती रही थी? इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि अपने जहन को बना लो। कल शाम मैंने सामने वालों के लड़के को बुलाया। सामने वालों के? हाँ, अब रूठी रूठी ना फिरती रहना। देखो हल्का फुल्का हो लेने दो मुझे। इस बार तो मैं अम्मा को भी बीच में नहीं आने दूंगी। शाम को आएगा वो। दो घंटे पूजियों की लाइन में खड़ा रह के आ रहा हूं। और ये तुम कहां थे भतीजी? तुम्हारे जिम्मे भी कुछ काम लगाए थे हसीना खाला ने? एक्चुअली कटिंग कराने गया था। फ्रेश माशाल्लाह। ये सुबह सुबह हजामत कराना जरूरी थी? सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। हाँ तो शौक भी आपको ही था उसको बहन बनाने का। अब जाए उसके ससुराल, दे के आए नाश्ते। बस ले आया हूँ यही काफी है, देखे तुम और सलमान आओगे। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जिंदगी में और बड़े जरूरी काम है। सॉरी ना, तुम हसीना खाला को खुद जाकर कहो, मैं थक गया हूँ। चाचा काश मैं आपको बता सकता कि मेरे पास सॉरी कहने का भी टाइम नहीं है। बस आप दुआ करें कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ ना उसमें कामयाब लौटूं। कामयाबी चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। दुआ तो दूर की बात है, मेरा साया भी पड़ गया तो ना काम लौटोगे। खुदा का कोई खौफ किया करे यार, कभी मुंह से कोई अच्छी बात निकाला करे। कबूलियत का वक्त भी होता है कभी कभी। दुआएं चाहिए ना, जाओ अब्बा जी से जाके ले लो, झोलियां भर भर के देंगे। दादाजी से दुआएं ले ही ना लूं मैं, उससे पहले जो झोली भर भर के सवाल फेंकेंगे ना मेरे पे, वो जवाब देने का टाइम नहीं है मेरे पास। बस आप दुआ कीजिएगा मैं कामयाब लौटूं। खुदा हाफिज। ये तो बता कहां जा रहा है? चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया। वो मैंने अपनी बेटी के सिलसिले में तुम्हें यहाँ बुलाया है। और काला नमक कहाँ रख दिया मैंने? क्या कह रही थी मैं?
वो आप कह रही थी जी किन्नू बड़े खट्टे हैं। नहीं नहीं याद आया, वो मैंने जोया के सिलसिले में बात करनी थी, उसकी बड़ी फिक्र रहती है मुझे, शादी की उम्र है। तुम्हें देखा तो मुझे ये ख्याल आया कि इधर उधर वक्त ज़ाया करने के बजाय तुम ही से बात कर लो। सही बात है जी, चराग तले वैसे भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। वो मैं खुद आ जाती तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे अब्बा और उनके अब्बा ज़रा नामुनासिब से लोग हैं। एक बार गई थी मैं ट्यूशन की बात करने के लिए तो अजीब बहकी बहकी बातें करने लगे, और फिर ये तो मामला ही बड़ा नाजुक है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। तुम अपने बाप दादा पर नहीं गए हो, तुम माकूल लड़के लगते हो, अकल की बातें करते हो, ये मैं ज़रा मुर्गियों को डाला। परी का रिश्ता तुमने करवाया ना? जी, जी। तो बस मैं ये चाह रही थी कि तुम मेरी जोया के लिए भी ऐसा ही रिश्ता ढूंढो। जी। देखो हसीना ने तो तुम्हें शुक्रिया पर बहला दिया होगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें माकूल मुआवजा दूंगी। क्या हुआ? नहीं मसला क्या है आपके साथ? नहीं यहाँ क्या लिखा नजर आता आपको? पता नहीं कौन सी दुश्मनियां निकाल रही है मेरे और मेरे अब्बा के साथ। पहले पता नहीं उनको कौन सी गोलमोल बातें करके उम्मीद दिलाई और फिर मायूस करी, और अब मेरा ये हाल कर दिया है। चाहती क्या है आप? ये बच्चे की जान लेगी क्या?